लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सहजन का फूल खाने से सेहत को मिलते हैं कई सारे फायदे। क्या क्या फायदे हैं मैं आपको बता रहा हूं, और कैसे खाना है वो भी आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। साथ ही वीडियो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सहजन के फूल पत्तियां सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं। इसके सेवन से कई तरह की बीमारियों का इलाज में फायदा मिल सकता है। लोग अक्सर सहजन के फूल को खाने से नज़रअंदाज कर देते हैं। सहजन के फूल में पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन जैसे गुण मौजूद होते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। सहजन का फूल खाने से स्वास्थ्य में क्या फायदे मिलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सहजन के फूल में पोटेशियम उचित मात्रा में मौजूद होता है जो स्वास्थ्य को लेकर के बेहतर मदद करता है। सहजन के फूल के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और दिल में जुड़ी समस्या को भी कंट्रोल करता है। सहजन के फूल में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में फायदेमंद होता है। सहजन के फूल में एंटी डायबिटिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो खून में ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज की समस्या को कम करने में मदद करता है। सहजन के फूल का सेवन साइटिका की समस्या में राहत देने के लिए किया जाता है। सहजन का फूल साइटिका के तेज दर्द से आराम दिलाने में मदद करता है। इससे मौजूद सूजन रोधी यौगिक आपके शरीर की सूजन को कम कर दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं। सहजन का फूल जरूरी मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस का एक अच्छा स्रोत है। इसके सेवन से हड्डियों से जुड़ी समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। कैसे करें सहजन के फूल का सेवन? सहजन के फूल की चाय पिए। सहजन के फूल की चाय बनाने के लिए फूल को धूप में सुखा लें और इसका पाउडर तैयार कर लें। आप चाहें तो फूलों को बिना सुखाए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कप पानी में सहजन का फूल या इसके पाउडर डालें और बस इसका गर्मा गर्म सेवन करें। टेस्ट के लिए आप शहद डाल सकते हैं, आप गुड़ डाल सकते हैं या कोई दूसरा शुगर फ्री आप डाल के पी सकते हैं। सहजन के फूल को फ्राई करके खाएं। सहजन के फूल को आप फ्राई करके या सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। आपको बस सहजन के फूलों को पानी में धोकर साफ कर लें और नमक के पानी में उबाल लें। 10 मिनट बाद फूल को पानी से अलग करके एक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म कर लें। अब इसमें सहजन का फूल डालकर फ्राई करें और नमक डालकर खाएं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।